नमस्कार, सुरेश खबर में आपका स्वागत है। मैं हूँ प्रगति वाजपेयी। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों के साथ में। खराब ग्लोबल संकेत की वजह से आज वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार में काफी गिरावट देखी गई। सेंसेक्स और निफ्टी में 2.5% यानी 2.5% से ज्यादा की गिरावट देखी गई। IT मेटल शेयरों पर सबसे ज्यादा बिकवाली हावी रही। वहीं ऑटो, ऑयल, गैस, फार्मा शेयरों पर भी काफी दबाव रहा। मार्केट में आज के पूरे एक्शन की डिटेल दे रही है मानसी दवे। बिल्कुल, बेहद ज़्यादा कमज़ोर कारोबार बाजार में देखने को मिला। और क्योंकि वीकली एक्सपायरी का दिन था, सोमवार और मंगलवार के ट्रेडिंग सेशन से शुरुआत करना चाहूँगी। सोमवार के ट्रेडिंग सेशन में जब हफ्ते की शुरुआत हो रही थी, बाजार ने थोड़ा परफॉर्म किया। मंगलवार का ट्रेडिंग सेशन बेहद अच्छा दिखा, अच्छे खासे लेवल्स पर कामकाज दिख रहा था। सेक्टर स्पेसिफिक भी बाजार में काफ़ी मूवमेंट्स थे, पॉजिटिव मूवमेंट्स थे, और स्टॉक स्पेसिफिक भी काफ़ी कुछ हो रहा था। लेकिन उसके विपरीत ये गुरुवार का सेशन है। रातों रात हमने देखा अमेरिकी बाजार बुरी तरह से टूटते हुए दिखे। इन्फ्लेशन का खतरा जो कि लगातार यहाँ पर डोमेस्टिक मार्केट्स में भी है, विदेशी बाजार में भी उसी का खतरा देखने को मिला। उसी के तर्ज पर हमने देखा डाउ, देखे S&P, नैसडैक, हर तरफ कमजोरी थी। उसके बाद याद कीजिए RBI मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी के मिनट्स भी आते हुए दिखे। मॉनिटरी पॉलिसी कमेटी के मिनट्स में हॉकिश स्टांस था। ये भी कहा गया 100 बेसिस पॉइंट्स के रेट हाइक्स आने वाले दिनों में भी होते हुए दिख सकते हैं। इमरजेंसी रेट हाइक तो हम देख ही चुके हैं। ये सारी की सारी चीज़ें थी FIIs की सेलिंग इंटेंसिटी, जिसने बाजार का मूड बेहद ख़राब कर दिया। अनुमान था कि शुरुआत कमजोरी के साथ होगी, वैसा ही कुछ होता हुआ दिखा। जब बाजार खुले लाल निशान के साथ, सिर्फ एक स्टॉक को छोड़ दें, ITC, जिसके लिए बहुत ज़्यादा मजाक उड़ता है, लेकिन आज वो स्टॉक ने सभी को बीट करते हुए बाजार की इतनी कमजोरी में परफॉर्म कर दिखाया। ITC में हरे निशान के साथ ट्रेड्स थे, लेकिन उसके अलावा निफ्टी 50 के सारे 49 स्टॉक्स जो हैं लाल निशान के साथ कामकाज दिखा रहे थे। जब बाजार क्लोज हुए तब भी ITC के अलावा डॉक्टर रेड्डीज का स्टॉक था, क्योंकि दिन के दौरान डॉक्टर रेड्डीज के भी नंबर्स आए, नंबर्स काफी अच्छे थे, और इसी का असर था जिसके चलते हमने डॉक्टर रेड्डीज में अच्छी तेजी देखी और पावर ग्रिड में हल्की सी तेजी नजर आई। इसके अलावा तमाम स्टॉक्स में लाल निशान के साथ ही बिकवाली का दबाव रहा। मिड कैप में भी इक्के दुक्के स्टॉक्स को अगर छोड़ दे, जहां पर कुछ हद तक परफॉर्मेंस दिख रही थी, बिकवाली ही सबसे ज्यादा हावी होती हुई दिखी। और दिन के दौरान हमने मिड कैप इंडेक्स और स्मॉल कैप इंडेक्स में भी भारी गिरावट ही देखी। सेक्टर स्पेसिफिक बाजार को अगर देखें, जाहिर सी बात है कोई भी सेक्टर नहीं था जो परफॉर्म कर रहा था, बिकवाली ही बिकवाली हर सेक्टर हर पॉकेट में नजर आ रही थी। सबसे ज्यादा गिरावट जो है IT स्पेस से देखी हमने। हाइएस्ट फॉल निफ्टी IT में हमने 1 अप्रैल 2020 के बाद ये देखा। काफी ज्यादा गिरावट हावी होती हुई, सबसे ज्यादा बिकवाली IT, उसके बाद फाइनेंशियल सर्विसेज, मेटल्स, फार्मा, निजी बैंक क्षेत्र, सरकारी बैंक क्षेत्र, हर तरफ लाल निशान के साथ ही कामकाज देखने को मिला। दिन की क्लोजिंग जब हुई, वीकली एक्सपायरी पर जब कटी, तो वहां पर भी हमने भारी बिकवाली के साथ ही निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स में लाल निशान के साथ क्लोजिंग देखी। कल नई एक्सपायरी नई सीरीज की इंफैक्ट शुरू होती हुई दिखेगी। देखना यह होगा कि कल के दिन बाजार किन लेवल्स पर ट्रेड करते हैं। SBI के चेयरमैन